रोती सुंदरी, पूरा परिवार बिना बात के रोता रहता है। तेरा विवाह होगा ना, तब तुझे पता चलेगा कि विवाह के बाद अपने परिवार को मिलकर लड़कियां क्यों रोती हैं। आई तो नहीं रोती, अरे नम्रता भी नहीं रोती। एक बस रोती सुंदरी का ही विवाह हुआ है क्या? कैसी है बड़ा? वेटी सर, नमस्कार। और जावई बापू दिख नहीं रहे हैं, आ रहे हैं ना? वो हमें छोड़कर चले गए। उन्हें मुहिम पर सतारा जाने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने हल्दी उतांड की रस्म पूरी होने की भी प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने कहा कि वो योद्धा थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने हमारे साथ छल किया है। वो कह रहे थे कि उन्होंने कोई पत्र पढ़ा ही नहीं, उन्हें कोई पत्र मिला ही नहीं जिसमें लिखा हो कि इस विवाह के लिए उन्हें एक योद्धा नहीं, हमारे बाबा की तरह एक व्यापारी बनना पड़ेगा। काशी, तुम्हारे साथ बाजी ने कोई छल नहीं किया। वो पत्र उस तक पहुंचने से पहले ही मैंने नष्ट कर दिया। आप ये कैसे कर सकते हैं? पति पत्नी के बीच में पढ़ने का अधिकार तो स्वयं ब्रह्मा जी को भी नहीं है, आपको किसने दिया ये अधिकार? बात अगर सिर्फ पति पत्नी के बीच की होती तो मैं बीच में नहीं आती शिव भाई, पर बात आपके और बाजी के बीच में थी इसलिए मुझे बीच में आना पड़ा। आप कहना क्या चाहते हैं? ये पत्र लिखा तो काशी ने अवश्य था, पर उसमें शब्द आपके थे, विचार भी आपके थे। वो पत्र नहीं, आपका छोड़ा हुआ एक अग्निबाण था जो इनकी गृहस्थी बसने से पहले ही उसे जला देता। पर मैं ना ही काशी का सुख चलने दूंगी और ना ही बाजी का संकल्प। क्या सुन रहे हैं हम? ऐसा पत्र आपने लिखा था? बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उनमें संयम संस्कार मिलाना हमारा माता पिता का दायित्व है। आपने उस मिट्टी में अपने मन का डर मिला दिया। हमने अपनी पुत्री का विवाह एक योद्धा से किया है और आप एक योद्धा से उसकी वीरता, उसका धर्म, उसका गर्व, उसका कर्म छीनना चाहती हैं। आपको काशी की शक्ति बनना था और आप बन गई उसकी कमजोरी। ये ऐसा पत्र आपने क्यों लिखा? जीजा जी, ताई ने जो कुछ किया है काशी की भलाई के लिए किया है, और बाजी के जीवन का सत्य जानने के बाद तो कोई भी माँ यही करती, पर अपनी पुत्री के सुख की चिंता करना कोई अपराध नहीं है? अपराध है। एक योद्धा को युद्ध भूमि में रक्त बहाने से रोकना अपराध है। सबसे पहले तीर को युद्ध भूमि में तरकश में रखवा देना यह अपराध है। किसी का जीवन लहरों में डूब रहा हो तो नौका को किनारे पे खड़ा रखना अपराध ही है। जीजा जी, पर बस, ये प्रश्न हमारे घर का है, हमारे परिवार का है, और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमें किसी बाहर वाले की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बाजी और काशी को एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को जानने का समय चाहिए। उसके बाद उनकी गृहस्थी किस दिशा में जानी चाहिए ये वो तय कर सकते हैं। बर, यदि निर्णय काशी को ही लेना है तो ये रही काशी। पूछिए इसे, क्या इसे ऐसी गृहस्थी चाहिए जहां से पता ना कि आज उसका पति सुरक्षित लौटेगा या नहीं? पूछिए संकाश।
कर उनके साथ चलने का, उनका साथ देने का साहस ढूंढना होगा। और वो साहस हमारे अंदर नहीं है। हम अपने पति को खो देने के डर के साथ नहीं जी सकते, नहीं जी सकते हम। देश की सेवा करने के लिए रक्त बहाने के अलावा दूसरे मार्ग भी हैं। क्या हमारे बाबा देश की स्वराज की रक्षा नहीं करते? यदि हमारे बाबा ऐसा कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं कर सकते? क्यों वो हमारे बाबा जैसा नहीं बन सकते? क्यों उनका अपने प्राण संकट में डालना आवश्यक है? क्योंकि मेरे प्राण देश की धरोहर है। वीर का रक्त रगों में बहने के लिए नहीं होता, मातृभूमि का श्रृंगार करने के लिए होता है। इसीलिए जब तक मेरी मातृभूमि को मुगलों से मुक्ति नहीं मिल जाती, मैं लड़ता रहूंगा। काशी ने अपने मन की बात कह दी। अब आपकी बारी है पेशवन भाई। आपने हमें वचन दिया था कि काशी और बाजी, यदि दोनों में से किसी एक की इच्छा को चुनना पड़े तो आप काशी की इच्छा को चुनेंगे। अब आप अपना वचन निभाइए। हमारे परिवार में वचन तोड़ने के लिए नहीं दिया जाता शिव भाई। काशी का सुख दुख मेरा सुख दुख है और मैं काशी को कभी दुखी नहीं होने दूंगी। जब बाजी लौट के आएगा मैं बात करूंगी उससे। काजी करू नका। आई, तू मेरी तरफ से इतना बड़ा वचन कैसे दे सकती है? मैंने तुझे पहले ही कहा था आई कि मैं ये विवाह मात्र इसी शर्त पर कर रहा हूं कि ये विवाह मेरे पांव की बेड़ी नहीं बनेगा, मुझे देश के लिए लड़ने से नहीं रोकेगा। तू फूल की माला को लोहे की संजीव समझने की बहुत बड़ी भूल कर रहा है बाजी। तू क्या चाहता है? कि तेरी पत्नी तेरी बात सुने, उसे समझे, तेरी भावनाओं का सम्मान करे। पर क्या तू उसके भावनाओं का सम्मान कर रहा है? विवाह के बाद की रस्म पूरी करे बगैर तू घर से चला गया और ये प्रेम और परंपरा दोनों का अपमान है। मैं क्षमा चाहता हूँ आई कि मैंने रस्में अधूरी छोड़ी। इस गलती को सुधारने के लिए तू जो कहेगी मैं वो करूंगा। पर आई, यदि मैं वहां नहीं जाता तो बापा जी पकड़े नहीं जाते, शाहू जी महाराज के प्राणों पर संकट हो सकता था। तू समझ नहीं रही आई, मेरे ऊपर इस विवाह से बहुत बड़े और गंभीर दायित्व है। वो तो तेरे बाबा के ऊपर भी है, पर वो मेरा और मेरी भावनाओं का सम्मान करते हैं। जाने से पहले मुझसे पूछते हैं। काशी तेरी अर्धांगिनी है बाजी, और तेरे जीवन पे उसका आधा अधिकार है। कलका, जीवन पर अधिकार हो सकता है पर मर्जी पर नहीं। आपने सही कहा था आई, आप इन्हें अकेले नहीं सुधार सकती। अब हम इन्हें एहसास दिलाएंगे कि हमारा अधिकार किस चीज पर है और किस चीज पर नहीं। अब आप क्या करोगे? प्रतीक्षा करो, सब समझ में आ जाएगा। वैनी पियो। Thank you.
आपको क्या हुआ? पति को चोट लगेगी तो पत्नी को कष्ट नहीं होगा क्या? आपको मेरी चोट से कब से पीड़ा होने लगी? आप तो मुझे पसंद नहीं करती। पसंद तो हम काय काय करने वाले कौओं को भी नहीं करते, लेकिन फिर भी गर्मी में उनके लिए पानी का कटोरा रखते हैं। हम ऊंचे कुल की सुंदर सुशील कन्या है। हमारे मन में प्राणियों के प्रति सहानुभूति होती है। मंजे, मेरे लिए भी आपके मन में वही भाव है जो कौओं के प्रति है। और क्या, हम गर्मियों में आपके लिए भी पानी का कटोरा रख देंगे। आपको कैसे पता कि लेप कहाँ रखा था? आपको लगता है कि नारी घर पर रहती तो कोई काम नहीं करती? जब आप देश संभाल रहे थे तब हमने आई के साथ मिलकर पूरा घर संभाल लिया। रहने दीजिए, मैं स्वयं लगा लूंगा। जब आप नहीं थी तब भी मैं स्वयं ही लगा रहा था। लीजिए, हमें भी ऐसे पति की सेवा करने का कोई शौक नहीं है जो हमारे आई बापा का मान करे। पंच पड़तावन की रस्म के लिए हमारी आई ने न जाने कितने दिनों से उस रस्म के लिए तैयारियां की थी। उन्होंने सब आई बापू का जाप जपते जपते आपकी रात देखते देखते दिन से रात कर दी। उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि हम कैसे हैं, बस ये पूछा कि आप कैसे हैं। पर आप न स्वयं आए न कोई संदेश भेजा। कल को यदि हम आपके आई बाबा के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो आपको कैसा लगेगा?